सब्सक्राइब करें टेक्निकल माहिर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ट्रेड करना चाहते हो व्हाट्सएप के मैसेज बिना ऑनलाइन जाए? अगर हाँ तो इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल माहिर। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप व्हाट्सएप मैसेज रीड करते हो तो जिसने व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया है उसको समझ में आता है कि आपने मैसेज रीड किया है, क्योंकि जो ग्रे टिक होती है वो ब्लू हो जाती है। मगर दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे पांच ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप बिना ऑनलाइन जाए व्हाट्सएप मैसेज रीड कर सकते हो और सामने वाले को समझेगा भी नहीं कि आपने मैसेज रीड किया है या नहीं। मतलब जो ग्रे टिक है वो ग्रे ही रहेगी, ब्लू नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह के नए टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे जो रेड बटन है ये वाला, यहाँ पे क्लिक करना है और इसी के साइड में जो ग्रे कलर का बेल का आइकॉन दिख रहा है वहाँ पर भी क्लिक करना ना भूलें। बेल के आइकॉन पर क्लिक करने से क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी और उसी समय मेरे वीडियो को आप देख सकते हो। एक ब्लू टिक डिसेबल। आप बड़ी ही आसानी से ब्लू टिक को डिसेबल कर सकते हो और व्हाट्सएप के मैसेज रीड कर सकते हो। ब्लू टिक डिसेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में और यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट, अकाउंट के बाद प्राइवेसी और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड रिसिप्ट, इसे सिर्फ डिसेबल करना है। इसके बाद आप जब भी कोई मैसेज रीड करेंगे तो आप सामने वाले को ब्लू टिक नहीं शो होगी और बड़ी आसानी से आप व्हाट्सएप के मैसेज बिना बिना ब्लू टिक जाए रीड कर सकते हो। दो, टर्न ऑफ डेटा या इंटरनेट। आप इंटरनेट को टर्न ऑफ करके भी बड़ी आसानी से व्हाट्सएप के मैसेज रीड कर सकते हो। रीड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे टर्न ऑफ करना है और इसके बाद आप मैसेज को रीड कर सकते हो वो भी बड़ी आसानी से और सामने वाले को ब्लू टिक भी शो नहीं होगी क्योंकि आपका डेटा पैक ऑफ रहेगा इसकी वजह से। तीन, ट्रैक नोटिफिकेशन। आप ड्रैग नोटिफिकेशन करके भी आप व्हाट्सएप के मैसेज बड़ी ही आसानी से रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। हाय, जैसे यहाँ से ये मैसेज सेंड होगा, सॉरी मैंने डेटा को ऑफ रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज सेंड हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे आपको ऐसे एक राइट और लेफ्ट थंब को ऐसे ड्रैग करना है, सॉरी यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह से आप व्हाट्सएप के मैसेज बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो बिना ऑनलाइन जाए। व्हाट्सएप विजिट, ये तरीका व्हाट्सएप मैसेज रीड करने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है और मेरा फेवरेट भी। इस तरह से मैसेज रीड कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। इस तरह से मैसेज रीड करने के लिए आपको आपके आप यहाँ पे आपको ड्रैग करना है और इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो विजिट सेक्शन, वहाँ पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सअप और यहाँ पे आपको ये ड्रैग करना है, आप जिधर चाहे उधर ड्रैग कर सकते हो बस। इसके बाद आपको हो गया, इसके बाद आपको यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो
इसके साइज बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे। इसके बाद आपको मैं मैसेज सेंड करके बताता हूँ। वेयर इज व्हाट्सअप सेकंड, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाय, यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह आप कितने भी मैसेज बड़ी आसानी से बिना ऑनलाइन जाए रीड कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज को रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बिना ऑनलाइन जाए रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सर्च करो व्हाट्सएप बबल, ओके, यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एक्सेप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड होगा। ये एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है फॉर मैसेज रीड करने के लिए। यहाँ पे मैं अभी ओपन करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप कुछ सेटिंग में इसे अलाउ करना है, सिस्टम सेटिंग में। इसके बाद आप यहाँ पे आप बैक जाना है। इसके बाद ओके, यहाँ पे आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, जो बबल साइज चाहिए वो कौन सी चाहिए। इसके बाद मैसेज प्रीव्यू होना चाहिए, यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो, बबल कौन सी साइज 20% होना चाहिए, हाइड नोटिफिकेशन होगा तो नोटिफिकेशन, ग्रुप बबल्स होना होगा तो ग्रुप बबल्स के लिए। तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगा, इसको एप्लीकेशन सेटिंग भी देना पड़ेगा, इसको अलाउ करने पड़ेगा एप्लीकेशन सेटिंग को। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा इंस्टॉल ऐप्स में, इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड और इस यहाँ पे व्हाट्सएप बबल को परमिशन दे दूंगा। बस यहाँ पे परमिशन आपको देना है। इसके बाद आपको मैसेज सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह आप मैसेज को रीड भी कर सकते हो और रिप्लाई भी कर सकते हो बिना ऑनलाइन जाए। तो ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। इस तरह बहुत सारे लोगों का आप बिना ऑनलाइन जाए रिप्लाई, व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई दे सकते हो। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।